रामपुर का बंडा बाजार देखिए इधर, यहाँ बंडा चिकन सब बना रहा है, इधर मिल रहा है। ये है रामपुर बाजार का बंडा बाजार। अरे बाजार खरीद आई नहीं आया तो कहीं लीडू करना सब वही 10-20 रुपये दोना थोड़ा सा दिया है। मुर्गी कैसे है सर? कौन वाला? ये सब मुर्गी कैसे, व्हाइट वाला कैसे? व्हाइट वाला 600 मुर्गी की मुर्गा है। अरे कहना क्या चाहते हो? 500 जोड़ा। देखिए रामपुर बाजार में रबड़ मिल रहा है, रबड़ गुल्ठा उल्टा सेल किया जा रहा है। पूछते हैं क्या प्राइस है, क्या प्राइस इसका गुल्ठा का? 60 रुपये। तो रामपुर बाजार में 60 रुपये चल रहा है इधर गुल्ठा, देख सकते हैं। हेलो गाइस, तो आज हम आए हुए हैं रामपुर बाजार, देखिए कुछ इस तरह से लगता है। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम निशांत है, आप देख रहे हैं डीके ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छा ही हूँ। बट बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ऐसा नहीं है जैसे सपोर्ट पहले था। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सपोर्ट जरूर दिखाइए। आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ले चल रहा हूँ नामकुम से कुछ ही दूरी पर स्थित, 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये रामपुर बाजार, जो कि आप लोगों का ठीक लगता है शुक्रवार के दिन यहाँ बाजार मुख्यतः एक ही दिन लगता है, सप्ताह में बस एक ही दिन लगता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को ले चल रहा हूँ रामपुर बाजार, जो कि नामकुम बाजार से छोटा ही लगता है यह रामपुर बाजार। तो चलिए क्या कुछ खास मिलता है इस बाजार में, मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ कुछ बंडा वंडा भुजाता है या चिकन भुजाता है, इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊँगा। और ये बाज़ार कितना पुराना लगता है, तो इस सभी की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आप वीडियो को अंत तक चलिए बने रहिए और इस वीडियो को देखिए, चलिए बाजार घूमिए। गाइस, हम बाजार पहुंच चुके हैं। इस बाजार को लोग रामपुर बाजार के नाम से भी काफ़ी लोग जानते हैं। और यह बाजार आप लोगों का ठीक प्लांडू के जस्ट अपोजिट साइड रांची टाटा मार्ग में लगता है। और यह बाजार प्रया आप लोगों का शुक्रवार के दिन लगता है, सप्ताह में केवल एक ही दिन यह बाजार लगाया जाता है। और यहाँ पे गांव साइड के सब्जियाँ लाए जाते हैं और क्रय विक्रय काफ़ी चलता है। यहाँ पे लोग क्रय विक्रय करने के लिए गांव साइड से आते हैं दूर दूर से। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिल जाती है क्योंकि यह सप्ताह में एक ही दिन यह बाज़ार लगाया जाता है। और सब्जियों का क्रय विक्रय काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, आप देख सकते हैं। यह बाज़ार काफ़ी भरा भरा हुआ देखने को मिला मेरे को, क्योंकि मैं दोपहर के वक्त गया हुआ था। तो देख सकते हैं गाइस, काफ़ी लोग सब्जियों का क्रय विक्रय कर रहे थे और यहाँ सब्जियों का रेट काफ़ी कम मिनिमम था, जैसे रांची में आम बाज़ार के मुकाबले। तो चलिए प्राइस कुछ पूछता हूँ आप लोगों को। कटहल कैसे? कटहल 20 रुपया। बाज़ार कुछ इस तरह से लगता है गाइस। बाज़ार में काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी चहल पहल है क्योंकि यह बाज़ार केवल सप्ताह में एक ही दिन लगता है। इस वजह से यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं। और बाज़ार में मसाला का क्रय विक्रय ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बाज़ार का महत्व तो मसालों से ही जुड़ा हुआ है। और बाज़ार में यह मेरे को देखने को मिल गया रानू वगैरह, बाज़ार में मेरे को देखने को मिल गया ये रानू वगैरह, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी में काफ़ी भाई लोग हड़िया वगैरह का सेवन करते हैं इस वजह से। और बाज़ार में देखने को मिल ही जाता है ये रानू वगैरह, क्योंकि काफ़ी लोग हड़िया बनाया करते हैं। और इसका क्रय विक्री काफ़ी तेज़ी से गाँव में चलता है और शहर में भी चलता है, ऐसा बात नहीं है। और ये बाज़ार में ये झोला मार्केट, क्योंकि झोला भी लेना ज़रूरी है बाज़ार में, आप समझ सकते हैं। और ये बाज़ार में काफ़ी कुछ देखने को मिल जाते हैं आप लोगों को गाइस। और ये बाज़ार में अभी भी बिक रहा है DCM साबुन। शहरों में तो इस्तेमाल नहीं किया जाता है बट गाँव में ये DCM साबुन काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। साबुन कैसे भाई? DCM साबुन 10 रुपये का साबुन। देखिए गेंद कैसे? गेंद 20 रुपये गेंद दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर बाज़ार में आगे बढ़ते बढ़ते फ्रेंड्स, हमें यह बाज़ार एक्सप्लोर कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो बाज़ार कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें गाइस, आप प्लीज़। रामपुर बाज़ार में रबड़ मिल रहा है, रबड़ गुल्ठा उल्ठा सेल किया जा रहा है। पूछते हैं क्या प्राइस है, क्या प्राइस इसका गुल्ठा का? 60 रुपये। तो रामपुर बाज़ार में 60 रुपये चल रहा है इधर गुल्ठा, देख सकते हैं। बाज़ार में काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग खरीद बिक्री के लिए आए हुए हैं। और देख सकते हैं महिलाओं के लिए चूड़ी वगैरह का सेल किया जा रहा है, देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह से चूड़ी। इधर बत्तख। मुर्गी कैसे है सर? कौन वाला? ये सब मुर्गी कैसे, व्हाइट वाला कैसे? व्हाइट वाला 600 रुपये किलो। मुर्गी मुर्गा है? मुर्गी है 600 रुपया था मुर्गी। कैसे जोड़ा दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं? 500 जोड़ा।
क्या रेट का है मुर्गा? ही मुर्गा है हाँ, तो क्या रेट का है? 500 रुपए मुर्गा इधर। तो गाइस रामपुर बाजार काफी बड़ा लगता है क्योंकि एक विलेज मार्केट है। चलते हमें ये रामपुर बाजार का बर्तन मार्केट दिख गया जो कि काफी अच्छा लग रहा था देख के, क्योंकि यहाँ काफी लोग क्रय विक्रय करने के लिए आए हुए थे और बर्तन भी काफी सिस्टमेटिक तरीके से रखा गया था। और देख सकते हैं बर्तन की क्वालिटी, ये काशी का बर्तन है, आप लोगों को तो पता ही होगा, मेरे से ज्यादा आप लोगों को ही जानकारी है, क्या ही बोल सकता हूँ। झाड़ू कैसे चाचा? इस बाजार में आगे बढ़ते बढ़ते हमें रामपुर बाजार का फेमस ये कपड़ा मार्केट देखने को मिल गया जहाँ पे काफ़ी लोग कपड़ों का क्रय विक्रय कर रहे थे और यहाँ कपड़े काफ़ी अच्छे मेरे को देखने को लगे। और ये बाजार काफ़ी पुराना बाजार लगता है और काफ़ी दूर दूर से आए हुए थे लोग यहाँ पे क्रय विक्रय करने के लिए। और यहाँ कपड़े काफ़ी अच्छे क्वालिटी के कपड़े थे जो कि आम बाजार में मेरे को देखने को मिल जाते हैं। आजकल लोग बाजार से भी कपड़े खरीदना प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि बाजार में भी अच्छे कपड़े आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं क्योंकि एक चीप रेट में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए कुछ प्राइस आप लोगों को बताता हूँ। यह है रामपुर बाजार का जींस। जींस कैसे भैया? 400 लग जाएगा। देखिए रामपुर बाजार में 400 रुपये में जींस मिल रहा है इधर। तो गाइस आप अगर आप बाजार जा रहे हो तो बार्गेनिंग करना सीख ले क्योंकि बार्गेनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे आपका प्राइस नेगोशिएट किया जाता है। तो बाजार कुछ इस तरह से लगता है गाइस, देख सकते हैं। और बाजार में आगे बढ़ते बढ़ते हमें यह सूखा मच्छी देखने को मिल जाता है जो कि 100 ग्राम 40 रुपये का दिया जा रहा था। और हर बाजार में मेरे को यह सूखा मच्छी का क्रय विक्रय काफ़ी तेज़ी से होता है क्योंकि सूखा मच्छी काफ़ी लोग खाना पसंद करते हैं क्योंकि एक सूखा पदार्थ है और ये कभी ख़राब नहीं होता है। और बाजार में हमें आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी कुछ देखने को मिल गए, देख सकते हैं ये मछली वगैरह, ये जिंदा मछली का भी क्रय विक्रय चल रहा था। और ये काफ़ी दाल वगैरह लाए गए थे जो कि घर के ही दाल थे। इधर भाई बेल्ट का रेट का है? 160 रुपये का है। 140 रामपुर का बंडा बाजार देखिए इधर, यहाँ बंडा चिकन सब बना रहा है इधर मिल रहा है। यह है रामपुर का खास बंडा मार्केट जो कि रांची का सेकेंड नंबर पे आता है रामपुर बाजार जो कि काफ़ी खास है। और यहाँ बंडा का रेट चल रहा है 220 से 250 रुपए के बीच चल रहा है यहाँ का रेट। यह है रामपुर बाजार का बांडा बाजार। मुरुख छीक रहा है, चिकवा रहा है। गाइस आप देख सकते हैं रामपुर बाजार में किस तरह से लोग यहाँ पे हड़िया दारू का सेवन कर रहे हैं क्योंकि गांव के लोग अधिकतर ही हड़िया दारू का ही सेवन करते हैं, आपको तो पता ही होगा, क्या ही बोल सकता हूँ फ्रेंड्स। मछली कैसे? ठीक है सर। 180 भाई। छोटा वाला? हाँ। 50 रुपये में 100। 50 रुपये में 100। डेढ़ सौ कितना है? एक पाव। तो आज हम रामपुर बाजार में खा रहे हैं चिकन खा रहे हैं देखिए। गाइस आज हम रामपुर बाजार में चिकन खा रहे हैं क्योंकि चिकन खाने का मन कर रहा है, बंडा खाने का तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, इस वजह से आज हम चिकन खा रहे हैं जो कि रामपुर बाजार में रेट चल रहा है 220 रुपये चिकन का रेट चल रहा है। और देख सकते हैं हम आधा केजी चिकन ले रहे हैं क्योंकि हम दो ही कोई है, इस वजह से हम आज चिकन खा रहे हैं, आधा केजी चिकन बनवा रहे हैं, देख सकते हैं चिकन का हटाटा। तो रामपुर बाजार में देखिए थोड़ा सा दिया है इधर हम लोगों ने मिर्च मटर। हेलो गाइस, तो रामपुर बाजार में हम खा रहे हैं चिकन बनवा रहे हैं आज, क्योंकि 60 रुपये ले जाता है आधा केजी का और 1 केजी का 100 रुपये ले जाता है। 1 केजी कितने लेते हैं आप लोग? 1 केजी का 120 रुपये लेते हैं ये लोग भुनने का चिकन।
महंगा लगता है। चलिए आप लोग खाते हैं और मिलते हैं, कुछ मिट्टी देखिए। गजार खीर तो आई नहीं आया तो कहीं दीड़ को करना मुश्किल है। मुझे नहीं कहीं जगह पर इधर है 10-20 रुपये तो वही पर ही 10-20 रुपये धोना गाइस। तो देखिए रामपुर बाजार का चिकन है, तो चलिए आप लोगों को टेस्ट करता हूँ। और देखिए ये चिकन जो कि टेस्ट करके आप लोग बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। काफ़ी अच्छे से भून दिए हैं ये लोग, जो कि 60 रुपये आधा के जी के लेते हैं और 120 रुपया एक के जी के लेते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा बाजार है ये रामपुर बाजार। अगर आप कभी नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जाएँ रामपुर बाजार। तो चलिए चिकन खाता हूँ मैं और आप लोगों से मिलता हूँ बाद में। रामपुर बाज़ार घूमा, यह बाज़ार बिल्कुल नामकुम बाज़ार की तरह हूबहू है, जस्ट नामकुम बाज़ार की तरह। यहाँ भी आप लोगों को बंडा भुन जाता है, मुर्गी भुन जाता है और काफ़ी कुछ मिल जाएंगे आप लोगों को खाने के लिए। हड़िया दारू तो यहाँ भरमार है यहाँ पे। तो ये करीब नामकुम बाज़ार से जस्ट 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह रामपुर बाज़ार, जहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, ट्राइबल आदिवासी लोग आते हैं, क्योंकि ये विलेज एरिया में पड़ता है जस्ट रामपुर में। जस्ट आप लोगों को प्लांडू के जस्ट अपोजिट साइड में पड़ता है यह बाज़ार और काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे क्रय विक्रय करने के लिए। और ये बाज़ार मुख्यतः आप लोगों का शुक्रवार के दिन लगता है और शुक्रवार के दिन ही यह बाज़ार काफ़ी बड़ा लगता है और एक ही दिन लगता है सप्ताह में। आ रहे हो तो शुक्रवार के दिन ही जाइए यह बाज़ार, जहाँ पे आप लोगों को हर कुछ मिल जाएंगे देखने को यहाँ पे। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स। और क्या यार आप लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटे अपने छोटे भाई को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। मैं वीडियो कहाँ से बनाऊँगा आप लोगों के लिए, बस आप लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब ही तो नहीं करते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे अपने छोटे भाई को, इतना तो हेल्प कर दे यार, तभी तो मेरे को मोटिवेशनल मिलेगा और मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों को दे पाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। और जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। रामपुर बाज़ार घूम चुके हैं, घूम घूम के पूरा थक चुके हैं, क्योंकि यह बाज़ार काफ़ी बड़ा लगता है और यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे क्रय बिक्री के लिए। और आप देख सकते हैं पत्तों का क्रय बिक्री चल रहा था, क्योंकि गाँव के लोगों का जीवन इसी पर निर्भर करता है, वो लोग इसी से जीवन निर्वाह करते हैं, क्योंकि अभी के समय में नौकरी पाना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। इस वजह से गांव के लोग इसी पे निर्भर रहते हैं और इनका रोजी रोटी इन्हीं पे निर्भर है। तो गाइस बाज़ार कुछ इस तरह से लगता है और बाज़ार में काफ़ी सूप वगैरह लाए हुए थे, जो कि देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लग रहे थे सूप वगैरह, जो कि रेट बिल्कुल जेन्युइन था। यहाँ का रेट भी आप देख ही सकते हैं, सूप वगैरह का कुछ प्राइस। और यहाँ पर मेरे को बाज़ार में आगे बढ़ते बढ़ते ये मिठाई वगैरह देखने को मिल गया। किन किन लोगों का पसंद है ये मिठाई, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट करें गाइस। और ये गांव बाज़ार में देखने को मिल गया लकड़ी के गठरे, क्योंकि गांव के लोग लकड़ी जलाते हैं काफ़ी तादाद में। यहाँ पे गैस का इस्तेमाल तो किया जाता है बट लकड़ी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा तादाद में किया जाता है, इस वजह से गाँव के लोग लकड़ी चढ़ाया करते हैं, क्रय विक्री चलता है लकड़ियों का। और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से लकड़ी के गठरे लाए गए हैं, जो कि 200 रुपये से 300 रुपये के बीच बेचा जा रहा है, क्रय बिक्री चल रहा है। और ये बाज़ार कुछ इस तरह लगता है, इस रोड के जस्ट अपोजिट साइड में यह बाज़ार लगता है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट करें गाइस।